नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, क्या आपको भी खाना खाने के बाद थाली में हाथ धोने की आदत है? तो दोस्तों, आप यह आज का वीडियो आखिर तक ज़रूर देखते रहें, कहीं इस गलती की वजह से आप कष्ट तो नहीं भोग रहे, कहीं थाली में हाथ धोना आपकी बर्बादी का कारण तो नहीं बन रहा। जानने के लिए आज का वीडियो आखिर तक ज़रूर देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा ही ज्ञान सबसे पहले प्राप्त कर सकें। दोस्तों, सच्चे दिल से अगर आप भगवान श्री कृष्णा से मोहब्बत करते हैं, भगवान श्री कृष्णा को आप प्रेम करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिख दें। भगवान श्री कृष्णा आपकी हर जायज़ मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, अक्सर कई बार लोग खाना के बाद थाली में हाथ धो लेते हैं, लेकिन खाने की थाली में हाथ कभी नहीं धोने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खाने की थाली में हाथ धोना अशुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि थाली में हाथ धोने से उसमें बचे हुए अन्न का अनादर हो जाता है। भोजन की थाली में हाथ धोने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाती है, जिससे घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। शास्त्रों में अग्नि को मुख्य देवता माना गया है। माना जाता है कि यज्ञ में अर्पित की जाने वाली सामग्री देवताओं का भोजन के रूप में प्राप्त होती है, इसलिए भोजन का विशेष महत्व माना गया है। इसके अलावा कई पुराणों में भी अन्न का अपमान करना पाप माना गया है। भोजन की थाली हमेशा चटाई, पाट और चौखट पर रखकर सम्मान पूर्वक खाना खाना चाहिए। इसके अलावा भोजन की थाली को कभी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि थाली को एक हाथ से पकड़ने से खाना प्रेत यानी में चला जाता है। वहीं थाली में जूठन छोड़ना भी अशुभ माना गया है। शास्त्रों में भोजन से पहले भगवान का ध्यान लगाना उत्तम बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि खाना खाते समय क्रोध, बातचीत या अजीब सी आवाज़ें कभी भी नहीं निकालनी चाहिए। ऐसी चीज़ें करने से देवी माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। खाना शांत होकर और अच्छे तरीके से बैठकर, लहजे में बैठकर खाना खाना चाहिए, जिससे कि माँ भी नाराज नहीं होगी और आपको जो भी देखेगा वो आपकी तरफ आकर्षित होगा कि वो बंदा खाना बहुत अच्छे लहजे से खाता है। वो बंदा जब खाना खाता है तो बड़े तरीके से और चुपचाप शांत मन से खाना खाता है। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से खाना खाओ, जिससे कि देवीय शक्तियां आपके ऊपर मेहरबान हो जाए, आपको कभी भी गलत तरीके से खाना ना खाना पड़े और माँ का अनादर भी आपको ना झेलना पड़े। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें।